नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, पेशेंट एजुकेशन वीडियो के सीरीज में मैं आज आपसे बात करूंगा प्लास्टर को कब निकालना चाहिए और प्लास्टर निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और प्लास्टर में क्या क्या परेशानी आपको होती है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे हमेशा बोन, जॉइंट, नस एवं मांसपेशी संबंधी वीडियो आपके लेकर आता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हड्डी से संबंधित जो भी बीमारियाँ हों उन पे मैं वीडियो बनाऊँ और आप सबको इस सब के बारे में अवेयर कर सकूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ने सवाल पूछा हुआ था कि प्लास्टर कब निकलवाना चाहिए या प्लास्टर कब कटने चाहिए, हम अपने डॉक्टर से कब प्लास्टर निकलवाने की बात कर सकते हैं। दोस्तों, प्लास्टर लगता क्यों है? सबसे पहले सवाल इसका जो जवाब है यह है कि प्लास्टर दरअसल आपके हड्डी को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। बहुत सारे जो बच्चों के फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती और बच्चों में हड्डी को जोड़ने के लिए मूल रूप से प्लास्टर का ही सहारा लिया जाता है। कई बार आपके पैरों में जब मोच हो, लिगामेंट इंजरीज हो या किसी प्रकार की सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो तो उनको भी ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर प्लास्टर का सहारा लेते हैं। दोस्तों, प्लास्टर एक बहुत ही कारगर माध्यम है आपके हड्डी, बोन, जॉइंट एवं नस की मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए। एक बार प्लास्टर लगने के बाद प्लास्टर को निकालना भी उतने ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है, परंतु इसके लिए कोई फिक्स रूल बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 20 दिन में, 40 दिन में या फिर एक महीने में आपको प्लास्टर निकालने की ज़रूरत है। यह डिपेंड करता है कि आपको परेशानी क्या है और आपके डॉक्टर ने उस परेशानी को समझते हुए आपको कितने दिन की प्लास्टर का एडवाइस किया हुआ है। मूल रूप से यदि आपके हड्डी में या फिर आपके जॉइंट्स में किसी प्रकार की भी कोई भी बोन इंजरीज ना हो, यानी हड्डी में किसी प्रकार कोई फ्रैक्चर्स ना हो, तो सॉफ्ट टिश्यू को स्वेलिंग को कम करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू के रिटेशन को कम करने के लिए आपके डॉक्टर आपको 1 से 2 हफ्ता तक कच्चा प्लास्टर एडवाइस करते हैं। दोस्तों, कच्चा प्लास्टर यदि आपको नहीं पता क्या होता है तो मैं बता दूँ, एक ऐसी प्लास्टर जिसमें एक सपोर्ट सिर्फ पीछे से होता है और आपको बैंडेज से चारों तरफ बांध दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का जिप्सोना को एक सर्कमफेरेंशियल मैनर में चारों तरफ से नहीं बांधा जाता। ये केवल एक जगह से ही या दो जगह से ही हार्ड होता है, बाकी दो जगह इसके एंड खुले होते हैं, उसके ऊपर बैंडेज की एक परत होती है। तो यदि आपको सॉफ्ट टिश्यू के लिए अगर बोन में इंजरीज नहीं हुई तो इस प्रकार का अगर प्लास्टर लगा है तो आप इसको मैक्सिमम 1 से 2 सप्ताह में निकलवा सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। परंतु कई बार जब हड्डी को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से यही हमारे पास एक माध्यम होता है तो हम प्लास्टर को 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक भी हम सलाह देते हैं और डिपेंड करता है कि यह फ्रैक्चर का पैटर्न कैसा है। नॉर्मल रूप से अगर बच्चों में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर होता है उसको ठीक करने के लिए हम पहले 2 हफ्ते का कच्चा प्लास्टर देते हैं, उसके बाद फिर से उसको 2 से 3 हफ्ता के लिए पक्का प्लास्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मूल रूप से कच्चा प्लास्टर 2 हफ्ते के लिए लगता है और उसको फिर से हम 4 सप्ताह के लिए फर्दर एक्सटेंड करके बच्चों में 6 वीक्स में हम प्लास्टर को कटवा लेते हैं या काट देते हैं। तो बच्चों में किसी प्रकार की भी कोई भी बोन इंजरीज हो और फ्रैक्चर हो तो 6 हफ्ते में हड्डी मूल रूप से जुड़ जाती है। बच्चों में जो हड्डी जुड़ती है वो बहुत ही तेज़ी से जुड़ती है क्योंकि हड्डी के चारों तरफ एक पेरिओस्टियम का लेयर होता है जिसके कारण हड्डी बहुत ही जल्दी अपने हीलिंग स्टेटस में आ जाता है और हड्डी की जो स्ट्रेंथ है बहुत जल्दी आ जाती है। इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा लंबा प्लास्टर को एक्सटेंड नहीं किया जाता, 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम इंटरवल में हम प्लास्टर को काट देते हैं। उसके बाद यदि आपको कच्चा प्लास्टर लगा हो किसी प्रकार के अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के लिए तो शुरू में स्वेलिंग को कम करने के लिए कच्चा प्लास्टर 1 हफ्ता के लिए लगता है। एक बार जब सूजन कम हो जाती है तो अगेन उसको पक्का प्लास्टर कर दिया जाता है और 1 महीने में फिर से उस प्लास्टर को निकाल दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपका प्लास्टर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू यानी हड्डी में किसी प्रकार की चोट की भी कोई संभावना नहीं है तो उस स्थिति में अगर प्लास्टर लगा हो तो 2 हफ्ता मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है जहां पे आप निकलवा सकते हो। जो पक्का प्लास्टर होता है जिसमें मैंने बताया कि चारों तरफ वो ठोस होता है, चारों तरफ से उसमें लेयर होता है जिप्सोना का, उस प्लास्टर को मुख्य रूप से हड्डी के जुड़ने के बाद ही निकालते हैं। आप जिस भी डॉक्टर से या ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह ले रहे हैं या जिनसे आपका इलाज चल रहा है उनके पास आप मिलिए, वो एक्सरे कराने के बाद देखते हैं कि आपकी हड्डी कितनी जुड़ी है और हड्डी में एक बार यूनियन होने के बाद हड्डी जब जुड़ जाती है, एक्सरे में हड्डी के साइन दिख जाते हैं, तब जाके हम उस प्लास्टर को निकालने का निर्णय लेते हैं। बट अल्टीमेटली उस प्लास्टर को निकालने का निर्णय आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ही लेते हैं। अपने मन से कभी भी प्लास्टर को नहीं निकलवाना चाहिए क्योंकि एक बार आपने प्लास्टर निकलवा दिया तो उस जगह का जो स्टेबलाइजेशन है, उस जगह की जो हीलिंग है वो कम हो जाती है और आपको पुनः फिर से उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से हमेशा सलाह लेके ही प्लास्टर को निकालें। इसलिए दोस्तों, इसके लिए कोई फिक्स पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है कि किस दिन में, कितने दिन में निकालना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर का पैटर्न कैसा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी कैसी है,
ये डिपेंड करता है कि एडल्ट में है या बच्चों में है, और ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके एक्सरे में हीलिंग या फिर बोन यूनियन के साइन हैं या नहीं। इन सारे फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको इसको निकालने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ऑर्थोपेडिक्स नॉलेज के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।